हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान पुलिस 2022 या 21, जो भी आप मानो, इसकी जो है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिसका एग्ज़ाम अभी जो है वो मई के अंदर लगा है। तो आपको जो है वो इसकी कट ऑफ के बारे में आंसर की कब जारी होगी, है ना, तो जो भी डिटेल है, कितनी कट ऑफ रह सकती है, फिजिकल की तैयारी किसको करनी चाहिए, इसके ऊपर जो ये वीडियो है ना। तो ये जो भी लोग अभी YouTube पे ऐसे बता रहे हैं कि 80-85 कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं। देखो, जो भी 80-85 सोच के ये वीडियो देखने आए हैं कि भाई हमारे 80-85 बन रहे हैं, तो मैं भी 80-85 बता दूंगा तो खुश हो जाएंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि देखो पढ़ने वाले लोग जो हैं वो सब आराम से 100 के समथिंग सब टच करेंगे। 100 क्वेश्चन हर किसी के सही होने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो माना पेपर टफ था, बट 5,000 लोगों के लिए पेपर टफ नहीं होता है। 5,000 को तो पेपर इजी ही लगता है, ठीक है। तो अभी जो है वो 15 गुना 5 गुना पास, 5 गुना पास करेंगे तो जो है वो 15 गुना 5 गुना के अंदर जो है वो ठीक है, 90-110 इसके बीच में जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूँ मैं, सबकी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जनरल वगैरह सब इस लगभग लगभग इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, 90 से 110 के अंदर। इससे ज़्यादा अगर आपको लगे कि इससे कम कट ऑफ जाएगी, तो मुझे ऐसा, मेरा पर्सनली अनुमान तो ऐसा है कि ऐसे इतनी कट ऑफ, इससे ज़्यादा कम तो कट ऑफ जाने वाली है नहीं, ठीक है। इसके बारे में और हम आगे जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो है अपने इसके आंसर की कब तक जारी हो सकती है। तो देखो, हो सकता है कि अभी इस वीक, तो अब मुझे लग नहीं रहा कि, क्योंकि अब जो है विभाग जो है वो अभी ये 2 जून वाले जो पेपर है उसकी तैयारी में लग गया होगा, तो अभी शायद ही जो है अभी आंसर की आए। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है वो साथ ही आंसर की आएगी उस वाले पेपर की और इन सब पेपरों की, क्योंकि विभाग ने इतनी जल्दी एग्ज़ाम कराया। इसका मतलब यही है कि वो जो है सारी वैकेंसी को जो है वो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शिफ्टों के जो है एक साथ ही लेके चलने की कोशिश करेगा, सबके आंसर की एक हाँ आंसर की एक साथ जारी करेगा, फिर रिजल्ट भी सबका एक साथ निकलेगा, फिजिकल एक साथ करवाएगा, वो चीज़ें सब जो है एक साथ होएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इस महीने में तो कोई भी आंसर की जारी नहीं होने वाली है ना, और रिजल्ट की तो अपन जो है अभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होने के 10-15 दिन बाद ही जो है वो रिज़ल्ट वगैरह आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो 2 तारीख को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक, हाँ 15 जुलाई तक जो है वो आपको आंसर की देखने को मिलेगी, जिसमें जो है वो अगर वो पेपर हो जाता है 2 जुलाई वाला, तो ही आपको जो 15 जुलाई तक आंसर की देखने को मिलेगी, सभी की एक साथ ही आंसर की देखने को मिलेगी। फिर 15 जुलाई के बाद में 15 दिन और जोड़ लीजिए आप, जो है वो जुलाई के अंदर जो है आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जुलाई के बाद में जो है अगस्त के समथिंग में आपकी जो है रनिंग वगैरह हो जाएगी, हाँ अगस्त के अंदर जो है रनिंग फिजिकल वगैरह हो जाएगा। और जो है, क्योंकि देखो अभी क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खाली हो चुके हैं, जो भी अभी जो है ट्रेनिंगों पे चल रहे थे, तो वो सारे के सारे जो है वो ट्रेनिंग सेंटर अभी खाली हो चुके हैं, क्योंकि सबको जो है वो पिछली वाली वैकेंसी के जितने भी बंदे अभी जो है ट्रेनिंग कर रहे थे, उन सबको जो है थाने वगैरह अलॉट करा दिए गए हैं, तो वो सब जो है अब अपनी अपनी थानों में जो है वो ड्यूटी करने के लिए पहुंच चुके हैं, तो सेंटर खाली हो गए हैं। तो जो है गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द फिजिकल कराने के बाद में जो है उनको अपने ट्रेनिंग सेंटरों पे पहुंचाएगी। तो यही प्रक्रिया होती है राजस्थान पुलिस की, पहले एक भर्ती कंप्लीट कराते हैं, फिर ताकि क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर में जगह जितनी है उस हिसाब से जो है भर्तियाँ चलती रहे। इसीलिए जो है 8,000 की एक साथ नहीं करवा के जो है ये 4,000-4,000 की 2 बार करवा रहे हैं, तो है ना। कट ऑफ वाली बात रही, तो देखो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, जिसके भी जो है वो 90 से 100 की फिलहाल आप जो है वो 90 के 100 जिसको लग रहा है। देखो वैसे तो आप मिला नहीं सकते कि अभी, क्योंकि आंसर की नहीं है, तो आप कैसे मिलाओगे, क्वेश्चन भी सबको याद नहीं है, 30-40 क्वेश्चन ही सबको याद है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन किसी को याद नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिसको आपको लगता हो कि हाँ यार मेरे इतने तो सही थे, मैंने इतने महीने पढ़ाई की है, इतने साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, टेस्ट में मेरे इतने नंबर आते थे, तो यहाँ पर टेस्ट वाली चीज़ें जो है, टेस्ट से जैसे आपके 50-60 नंबर आते थे, या जैसे टेस्ट में आपके 120 आते, तो आप यहाँ पर मान लो 100 के समथिंग, मान लो कि आपके यहाँ पे जो है 100, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन इतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए अधिकतर बच्चे, तो जिसके भी जो है वो 90 से 100 तक, जिसके भी 100 के 100 तक जिसके भी बच्चों के जो है वो 85-90-95-100 इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो है वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि देखो जयपुर जोधपुर कोटा की तो हाई जाने वाली है, इसके अलावा तो जो है वो 100 के समथिंग में लगभग सबको जो है वो फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए अभी से, है ना। और जिनका पेपर है उनको अभी नहीं करनी चाहिए, बाकी जो बच्चे बच गए हैं उनको जो है वो
वन पाल वन रक्षक की तैयारी करनी चाहिए। जो रीट वाले हैं उनको रीट में तैयारी कर लेनी चाहिए, बीट से और सेकंड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड में तैयारी कर लेनी चाहिए। किसी को भी जो है पढ़ाई नहीं छोड़नी, अभी सबको जो है कहीं ना कहीं तैयारी करनी है। क्योंकि देखो क्या होता है कि सक्सेस आदमी को तभी मिलती है जब वो निरंतर प्रयास करता रहता है। अगर हम सोचें कि ये राजस्थान पुलिस की अब नई भर्ती आएगी तभी तैयारी करेंगे तो आपका रियली बता रहा हूँ उस वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप अभी से तैयारी छोड़ दोगे तो। इसीलिए तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन ना हो तो निराश मत हो, आपके लिए जो है राजस्थान पुलिस से बड़ी वैकेंसी बड़ी नौकरी आपके लिए जो है भगवान ने आपके लिए चाहा है कि जो है आपको राजस्थान पुलिस में नहीं अब वो किसी ऊंची नौकरी में देंगे, पटवारी एसआई में, तो ऐसी जो है वो आपको इन चीज़ों के अंदर जॉब मिलेगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो तैयारी करें, तैयारी नहीं छोड़े, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है पढ़ने वालों का। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी हो कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तैयारी करने वाले हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको जो है तैयारी नहीं छोड़नी है और जो है तैयारी करते रहना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो कमेंट करें, कोई भी आपका सुझाव हो किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वीडियो मेंस की अभी जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं अपलोड कर रहा हूँ तो उससे भी आप जो है जुड़ सकते हैं, चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।